सिलाई सीखो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, सिलाई सीखो से मैं सरिता शर्मा। आज हम बनाएंगे लटकन। ये देखिए बहुत इजी है इसको बनाना। इसमें हम स्केल का यूज़ करेंगे और कुछ हम बीट्स लेंगे। ये देखिए मैं यहाँ पर रेड कलर की ऊन का यूज़ कर रही हूँ। इसको हम इस तरीके से रखेंगे और ऐसे लेकर आएंगे। ये देखिए ऐसे, इसको हम ऐसे करेंगे। ये देखिए ऐसे और इसके अंदर ऐसे, इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। फिर वापस ऐसे करेंगे, इसको घुमाएंगे इसके बीच में से। इसको ना तो ज़्यादा टाइट करना है ना ही ज़्यादा आपने लूज़ करना है। ये देखिए फिर देखिए ऐसे करेंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे, यहाँ पर बल आ जाएगा इसके बीच में करेंगे और इस धागे को हम ऐसे खींच देंगे। ऐसे ऐसे करते हुए इसे हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इसे मैंने कंप्लीट कर लिया। मैंने 4 इंच तक मैंने इसको यहाँ तक इसे कंप्लीट किया। ये देखिए 5 इंच यहाँ पर, 1 इंच मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। ये देखिए यहाँ पर 1 इंच छोड़ दिया। तो ये 4 इंच तक जो है मैंने यहाँ पर इसको कंप्लीट किया। अब ये यहाँ पर हमने बल लिए हैं, इसको धागे को हम इस साइड करेंगे। ये वाला धागा हमारा इस साइड आएगा और इस वाले धागे को हम निकाल देंगे यहाँ से। ये देखिए ऐसे, और इनको अब यहाँ बाहर निकालेंगे, इसको टाइट करेंगे और ये वाले धागे को इस साइड लेंगे, इसमें इसके बीच में ले लेंगे। ये देखिए ऐसे, और अब इसे हम धीरे धीरे निकाल लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये। इसको हम नीचे ऐसे एडजस्ट करेंगे और धागे को खींचेंगे, वो वाला धागा खींचेंगे जो हमारा धागा छोटा है, वो वाला धागा हमने खींचना है। इसको यहाँ पर हम ऐसे ही एडजस्ट करेंगे और धीरे धीरे हम इसको खींचेंगे। ये देखिए ऐसे, इसका गैप कम करने के लिए इस धागे को भी थोड़ा सा खींचेंगे। ये देखिए इसका गैप यहाँ पर कम हो गया है। अब यहाँ पर हम यहाँ पर, ये देखिए ये वाला हमारा गैप है यहाँ पर। अब ये वाले धागे, ये वाले और ये वाले धागे, इन धागों को ले लेंगे। पहले हम इसको यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे। ये देखिए इतनी नॉट लगानी है जितना हमारा ये फ्लावर है। उसके बाद ये वाली नॉट हमारी टाइट नॉट लगेगी, ये वाली। ये देखिए यहाँ पर ये हमने नॉट लगा दी है। अगर आपको लगता है तो आप एक नॉट इसमें और भी लगा सकते हैं। ये देखिए इसको यहाँ से हम कट कर देंगे, छोटे वाले धागे को यहाँ से लेंगे। अब जितनी लंबी आपने लटकन बनानी है वो आप लटकन लेंगे और धागे को कट कर देंगे। ये देखिए अब आप जैसे बीट्स आप इसमें लगाना चाहते हैं वो बीट्स आप इसमें लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बीट्स हमने लगा दिए हैं। बीच में भी ऐसे ही लगाना है जैसे हम बटन लगाते हैं दोनों साइड में, और ये ऐसे लगाएंगे। अब हम लूप बनाएंगे। लूप ये देखिए इस तरीके से। इसके लिए हमने क्या करना है, कोई भी आप मोती लेंगे, इसको ऐसे ही ला लेंगे। अब इस वाले मोती को हम छोड़ देंगे और इस वाले बीट्स में, ये देखिए यहाँ पर या यहाँ पर, दोनों में से आप किसी एक में भी ले सकते हैं, दो में भी आप इसको ले सकते हैं। ये देखिए ऐसे कर ये यहाँ पर हमारा ये लूप बन गया है। अब इसको इस तरीके से लेंगे और यहाँ पर ये नॉट लगा देंगे। ये देखिए ऐसे, फिर वापस लेकर जाएंगे इसको। ये देखिए ऐसे, और यहाँ पर भी एक लूप बनाकर इस तरीके से नॉट लगा देंगे। और इसको हम टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद आप डबल नॉट भी लगा सकते हैं इसमें। ये देखिए ये यहाँ पर हमारा लूप बन गया और ये लटकन हमारी बहुत ही आसानी से बन गई, बहुत सुंदर लगती है। ये देखिए आप इसमें इस तरीके के भी बीट्स लगा सकते हैं। और दोनों में इस, देखिए यहाँ पर मैंने गोल्डन लगाया, यहाँ पर ये ऐसे, ये देखिए
जैसे मैंने यहाँ लगाए, यहाँ पर मैंने इसको भी इसी तरीके से एक एक बीट्स मैंने यहाँ लगाए। आप इसके लिए डेकोरेशन के लिए आप इसमें और भी कुछ इसी तरीके से लगा सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।